अक्सर लोगों को ये समस्या आती है जब वे कहीं पे जमीन खरीदते हैं या फिर जमीन कोई बेचता है। जमीन बेचने वाले को तो कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती है, बट जमीन खरीदने वाले को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। उसे काफी मायनों में ये पता नहीं होता है कि किस प्रकार रजिस्ट्री कराएं, किस प्रकार रजिस्ट्री की प्रोसेस होती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से रजिस्ट्री कराई जाती है, रजिस्ट्री की पूरी प्रोसेस क्या होती है। आज हम इस टॉपिक पर पूरा स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि किस प्रकार से रजिस्ट्री कराई जाती है, रजिस्ट्री कराने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, और किस हिसाब से रजिस्ट्री का जो चार्ज होता है वो शहरी क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में अलग होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि रजिस्ट्री कराने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। तो दोस्तों, रजिस्ट्री कराने के लिए सबसे पहला जो आपको डॉक्यूमेंट होता है वो होता है क्रेता और विक्रेता की फोटो, जो कि जमीन, जो भी जमीन आप खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं उसके तीन तरफ से खिंचाई जाती है दोनों को इकट्ठे करके। इसके बाद दोस्तों, दूसरा जो होता है वो होता है पटवारी पंचनामा, जिसपे पटवारी आपको ये बताता है कि आपको आपकी जो जमीन है उसकी चौहद्दी क्या है, आपको वो चौहद्दी बनाकर देता है। वो किस प्रकार बनाए, किस प्रकार से पटवारी पंचनामा बनवाया जाता है, प्रतिवेदन जिसे कहते हैं, सॉरी, पटवारी प्रतिवेदन किस प्रकार से बनाए, इसका वीडियो हमने ऑलरेडी डाल रखा है, आप उसे देख सकते हैं। दोस्तों, दूसरा ये होता है कि पटवारी प्रतिवेदन आपको देना होता है। तीसरा जो होता है दोस्तों, वो होता है आपका सर्टिफाइड खसरा और सर्टिफाइड नक्शा, जो कि आपको लोक सेवा केंद्र से प्राप्त करना होता है। सर्टिफाइड खसरा और सर्टिफाइड नक्शा किस प्रकार प्राप्त करें, इसका वीडियो भी हमने डिस्क्रिप्शन पार्ट में दे दिया है, वहां से भी आप उसे देख सकते हैं। ऊपर आई कार्ड पर भी वो शो हो रहा है, वहां से भी आप उसे वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट जो होता है दोस्तों, वो होता है लैंड रजिस्ट्री कैलकुलेटर, जो कि आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपकी भूमि की रजिस्ट्री का चार्ज कितना लगेगा अगर शहरी क्षेत्र में है। देखिए, इसके लिए टू टाइप से होता है, एक होता है शहरी क्षेत्र, दूसरा होता है ग्रामीण क्षेत्र। अब शहरी क्षेत्रों में भी दो प्रकार से होता है, अगर आपकी जमीन सड़क के किनारे है या फिर रास्ते के किनारे है, जस्ट किसी भी सरकारी रास्ते के किनारे है, तो उसका चार्ज जो होता है वो ज्यादा होता है, रजिस्ट्री चार्ज ज्यादा होता है, और अगर वो ग्रामीण क्षेत्र में है तो उसका रजिस्ट्री चार्ज कम होता है। ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपके होते हैं दोस्तों। इसके बाद आपको ये पता करना होता है कि बेचने वाले की भूमि में कितने सह खातेदार हैं या फिर उसका कितना ज्यादा हिस्सा किसके किसके नाम पर वर्णित है। किसी भी प्लॉट की रजिस्ट्री कराते समय ये बहुत जानना जरूरी होता है कि उस प्लॉट के सह खातेदार कितने हैं और उनमें से प्रति व्यक्ति का हिस्सा उस भूमि में कितना है। अगर आप उसमें, मान लीजिए उदाहरण के तौर पर, अगर हम समझें कि एक भूमि है, उस पे मान लीजिए 20 आरे की एक भूमि है और 20 आरे में 400 खातेदार हैं। अब 400 खातेदारों में उनमें से 5-5 आरे प्रति व्यक्ति के हिस्से में भूमि आती है, तो उसमें से अगर एक व्यक्ति की आप 5 आरे भूमि खरीदना चाहते हैं और उसकी रजिस्ट्री कराना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको पहले उन सह खातेदारों में से दो की गवाही होना अनिवार्य होती है। कम से कम दो लोग वहां पर गवाही देंगे तभी आप रजिस्ट्री करा सकते हैं, क्योंकि रजिस्ट्रार के सामने जब आपसे क्रेता और विक्रेता दोनों की राय ली जाती है, क्रेता से पूछा जाता है क्या आप अपनी भूमि को बेचना चाहते हैं, तो वो वहां पर अनापत्ति बताते हैं कि हाँ, मैं अपनी भूमि को बेचना चाहता हूँ। दूसरा होता है वहां पर सह खातेदारों की गवाही ली जाती है कि आपको कोई आपत्ति तो नहीं है। अगर वो वहां पर आपत्ति जताते हैं तो इसके बाद उनको पहले अपनी भूमि का बटांकन कराना पड़ता है, इसके बाद ही वो अपनी भूमि बेच सकता है। इसके बाद दोस्तों, जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट होता है वो होता है आपकी लैंड बुक, यानी कि आपकी ऋण पुस्तिका। आपकी जिस भी जमीन की रजिस्ट्री करवाना चाहते हैं आप, जिस जमीन को आप बेच रहे हैं, वो ऋण पुस्तिका आपके पास होनी चाहिए, वो लैंड बुक आपके पास होनी चाहिए, उसकी एक फोटो कॉपी आपको वहां पर जमा करनी होती है, अपने डॉक्यूमेंट के साथ इंक्लूड करनी होती है। उस ऋण पुस्तिका में या उस लैंड बुक में आपकी ये इंक्लूड होता है कि आपकी जमीन कितनी है और आप कितना जमीन कितने हिस्से में से कितनी बेचना चाहते हैं, ये सब उसमें लिखा हुआ होता है। ये सभी डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने के बाद दोस्तों, आपको इन सभी डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठे करके और आपके दो चार गवाह, जितने भी जमीन के सह खातेदार हैं, उनको इकट्ठे करके रजिस्ट्रार ऑफिस में जाना है, रजिस्ट्रार या फिर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पास जाना है। रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या फिर जो भी रजिस्ट्री, ई रजिस्ट्री का पोर्टल लिए हुए हैं, उनके पास जाना है और आपको अपनी जमीन की रजिस्ट्री करवानी है। इसके बाद आपको ये सभी डॉक्यूमेंट्स लेके रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पास जाना है और वहां पर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी आपके बयान लेगा। बयान लेने के बाद आपके वो
डॉक्यूमेंट्स चेक करेगा। डॉक्यूमेंट्स चेक करने के बाद आपकी जितनी भी जमीन आप बेचना चाहते हैं उसकी रजिस्ट्री विक्रेता के नाम पर कर दी जाती है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो में हमने जाना कि रजिस्ट्री प्रोसेस के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है और किस प्रकार से रजिस्ट्री कराई जाती है। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल टेक रेवेन्यू डिपार्टमेंट को। जुड़ रहे हैं हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।